मान लो आपका फेवरेट मूवी है बाहुबली, और मानना भी क्यों है यार, सबका फेवरेट मूवी है बाहुबली। बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मान लो बाहुबली बिगिनिंग और बाहुबली 2 के बाद अब बाहुबली 3 भी आने वाला है, क्यों एक्साइटेड हो? टेंशन मत लो, नहीं आएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? बस मान लो बाहुबली 3 आने वाला है, लेकिन ये मूवी SS राजामौली डायरेक्ट नहीं करेगा, और एक्टर भी यहाँ पर प्रभास की जगह पर कोई नया एक्टर लिया जाएगा। अब एक्साइटेड हो? तो दोस्तों, डॉन मूवी के प्रेमियों के लिए एक बैड न्यूज है। मूवी की रीमेक आने वाली है, लेकिन डॉन सीरीज को ना तो पहले वाले डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे, ना तो पहले वाले एक्टर इसमें एक्टिंग करेंगे। तुमको क्या तकलीफ है भाई? क्यों शौक हो गए ना? 1978 में अमिताभ बच्चन जी ने डॉन मूवी में कितना बड़ा धमाल मचाए थे वो सबको पता है। नहीं पता तो अपने मम्मी से पूछ लो, अपने पापा से पूछ लो। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। फिर 2011 में शाहरुख खान ने जब डॉन के रिमेक डॉन 2 बनाए थे, तब वो मूवी भी बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट रही। उस समय 70 करोड़ बजट में बनाया हुआ ये फिल्म करीबन 203 करोड़ का कलेक्शन किया था। मूवी के लास्ट सीन में डॉन 3 का भी एक हिंट दिया गया था, लेकिन पता नहीं मूवी मेकर फरहान अख्तर की क्या मत मारी गई जो उन्होंने ये मूवी छोड़ने का फैसला किया। एक एग्जांपल अभी आपको मैं दूंगी, आप पूरा चीज समझ जाओगे। साल 2002 में राज मूवी ने कितना कमाल धमाल मचाया था वो आप सब जानते ही हो। फिर मूवी ने जब रिमेक बनाया तो पहले वाले राज से वो बिल्कुल अलग था। राज 2 और राज रिबूट जब आया ना, तो वो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल पिट गया। क्यों जानते हो? क्योंकि बाद वाले जो फिल्म है ना, वो पहले वाला जो राज है उससे बिल्कुल अलग था, अलग स्टोरी थी, अलग एक्टर एक्ट्रेस थे, इसलिए वो फिल्में चल नहीं पाई। भाई लोगों के एक्सपेक्टेशंस में तो वो ही 2002 वाली हॉरर रोमांटिक राज मूवी की कहानी थी ना। इस एग्जांपल से डॉन वालों को कोई सीख नहीं मिला, वो फिर से अपना रिमेक बनाएंगे, डॉन रिबूट नाम से शायद आएगा वो मूवी। मूवी का डायरेक्टर बदल जाएगा, एक्टर बदल जाएंगे, और मेन बात इसका कहानी भी बदल जाएगी। पहले खबर आया था कि डॉन 3 में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन मतलब डॉन 2 वाले बादशाह दोनों ही मिलकर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनके फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। लेकिन अब इस खबर ने फैंस को बहुत ही ज्यादा निराश किया है। अब पता नहीं आगे मूवी मेकर्स का डिसीजन क्या होने वाला है। नए जमाने के नए एक्टर के साथ मूवी फैंस की नजर में खड़ा उतर पाएगी भी या नहीं, ये तो देखने की बात है। लगता है शाहरुख को अपना खोया हुआ इज्जत पठान में वापस मिलने के बाद वो अब अगला स्टेप थोड़ा सोच समझ कर ही देंगे। फैंस डॉन 3 में अमिताभ शाहरुख या फिर कोई नया जमाने वाले एक्टर को देखना चाहते हो, और किस एक्टर को देखना चाहते हो कमेंट पे लिख के जरूर बताना। ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर देना। मैं रश्मि मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।